एवरीवन, वेलकम टू माय आउटडोर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आज मैं आई हूँ बलद की मार्केट में और यहाँ की शॉप पर आए हुए हैं। ये होलसेल की ज्वेलरी की शॉप है, बहुत रीजनेबल प्राइस है इनकी। वन पीस के हिसाब से भी ये चीजें दे रहे हैं और 2L का सेट, 6 का सेट उसके हिसाब से भी दे रहे हैं और काफी डिस्काउंट भी कर रहे हैं। एक से एक डिजाइन है जो गोल्ड में आज चल रहा है। तो चलिए शॉप के अंदर चलते हैं। पूरे सेट हैं 57 में है। और ये 37 का है, वो भी 37 का है, ये 23 रियाल का है, ये 24 रियाल का है। ये सारी प्राइस जितनी भी मैंने बताई है ये वन पीस के सेट की बताई है। अगर आप लोग ज़्यादा लेंगे तो ये और डिस्काउंट कर देते हैं। ये है बच्चों की छोटी छोटी सी बैंगल्स, बिल्कुल सेम गोल्ड का डिज़ाइन है और इसकी भी डिफरेंट डिफरेंट प्राइस थी। वन पीस का अलग हिसाब था और ज़्यादा लेंगे तो उसका अलग। ये 30 रियाल का है, कितने? और ये 35 रियाल के हैं, 35 रियाल के ना ऊपर वाले, कितने अच्छे लग रहे हैं। ये 75 रियाल के ऊपर वाले, ये 65 रियाल के हैं, ये डिजाइन भी 65 रियाल के हैं। और ये सारे इंडियन डिजाइन के चौका वगैरह हैं। यहाँ पर इंडियन डिजाइन की भी सारी ज्वेलरी थी, मंगलसूत्र भी था और चौका वगैरह भी थे, बहुत रीजनेबल प्राइस में। ये 15 रियाल के लगे हुए थे। रिंग्स के भी एक से एक डिज़ाइन है और इस तरह की ज्वेलरी भी थी। ये 25 रियाल का है, इसके साथ रिंग थी, और ये 15 रियाल का है। जिस तरह का डिज़ाइन होगा, अगर हैवी डिज़ाइन है तो थोड़े से प्राइस ज़्यादा हैं और सिंपल सा है तो उसके कम है। और वो जो आगे दिखाई है वो 10 रियाल की है और ये वाला 15 रियाल का है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, यूनिक सा डिज़ाइन है इसका। और अब आगे चलते हैं। ये सारी चेनें लगी हुई हैं, डिफरेंट स्टाइल में लगी हुई हैं, और ये वाली जो चेन है ये 15 रियाल की है, और साइड में इनके कलर वाली चेनें भी थी। ये सारी 15 रियाल की चेन्स लगी हुई हैं और बहुत अच्छी लग रही थी। और इनकी जो ज्वेलरी है इनका कलर भी इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, काफ़ी गारंटी दे रहे हैं, ये काफ़ी चलेगी। और ऊपर सारे चौके वगैरह लगे हुए हैं। और ये जो सऊदी स्टाइल की ज्वेलरी होती है वो ये भी 25 रियाल की थी, काफ़ी हैवी लग रही थी। और ये इस तरह के जो लॉकेट वगैरह थे जिन पे नाम भी लिखे हुए होते हैं और डिज़ाइन बने हुए होते हैं, रोज़ बना हुआ है, ये बहुत पिछले दिनों में हुआ हुआ था, वो भी थे और ये 15 रियाल में दे रहे थे। तो नाम वाले जो लॉकेट्स होते हैं वो भी थे और जिन पे डिज़ाइन बने हुए होते हैं वो भी थे। इस बहुत सारी ज्वेलरी थी, हर तरह की जो आजकल इन हुई हुई है वो भी है, बच्चों के हाथ में पहनाने वाले भी हैं। और ये इस तरह से देखें स्टोन जो लगे हुए होते हैं, मोती वगैरह, उसके साथ भी इन्होंने दिए हुए, जो गोल्ड में आजकल डिज़ाइन चल रहा है वो है। और मंगलसूत्र भी बहुत अच्छे लग रहे थे। अगर आप लोग बलद जाएं जद्दा में तो शॉप को ज़रूर विजिट कीजिएगा। होलसेल की ये शॉप है और डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन के, न्यू स्टाइल के काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पर, सेम लाइक गोल्ड। और इनका कलर भी इतनी जल्दी नहीं उतरेगा, 1 ईयर तक रहता है। जो हम मक्का मदीना से लेते हैं वो ज्वेलरी का कलर फिर भी बहुत जल्दी उतर जाता है। देखें ये ब्रेसलेट जो है वो 10 रियाल का है और इसके बराबर में जो थे जिनमें मोती वगैरह लगे हुए थे वो 15 रियाल के हैं। इसी तरह ये सामने वाले 25 रियाल के हैं। जिस तरह के डिज़ाइन है और जिस तरह का काम हुआ है उसी तरह की प्राइस थी। और ये 10 रियाल में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ब्रेसलेट। बैंगल्स वगैरह के भी काफ़ी अच्छे डिज़ाइन थे, बच्चों के भी और बड़ों के भी। और ये देखें पूरे पूरे सेट लगाए हुए हैं। तो आप लोग भी बलद जाएं तो यहाँ ज़रूर विजिट कीजिएगा। आई होप मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मैं यहीं ब्लॉग को एंड करती हूँ। अपना और सबका ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।